हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और अभी हम लोग देख रहे हैं ना, एक टॉपिक करंट अफेयर्स का है, जो इसको बोल सकते हैं लिपुलेख पास। अब व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। और ये देख सक रहे हैं, ये लिपुलेख पास का एक आपके पास ये पिक्चर है, लिपुलेख पास, जहाँ से आप ये चाइना और इंडिया के बीच में ये पास एग्जिस्ट करता है। और ये जो है उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास ये चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। यदि मैं इफ़ आई मेक द मैप ऑफ इंडिया, और ये रीजन में यहाँ पर आप देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश को कवर कर रहा है, और ये उत्तराखंड को, ये आपका उत्तराखंड है और ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो उत्तराखंड के मैप को यदि मैं केवल बनाऊँ तो ये आपका ऐसे है, आपका उत्तराखंड, और इधर आपका क्या है, ये नेपाल है। तो उत्तराखंड के इस रीजन में आपका क्या है, लिपुलेख पास। कौन सा पास है, लिपुलेख पास, ठीक है। उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये वाला रीजन जो है ये नेपाल का बॉर्डर के पास में है, नेपाल, उत्तराखंड, चाइना, यस चाइना और तिब्बत भी आप कह सकते हो। वो चाइना का वो रीजन तिब्बत है एक्चुअल में, और चाइना अपना मानता है। Recently, pilgrims had their first ever view of the sacred Kailash peak from the old Lipulekh Pass located in Indian territory. और recently अभी देखा गया, जो pilgrims जो है यहाँ से जाते हैं, और इन्होंने पहला view देखा कैलाश की चोटी का, जिनके लिए वो बहुत ही sacred है, पवित्र है, और कहाँ से, Lipulekh Pass से। About it. और इसका लोकेशन क्या है, कहाँ है, लिपुलेख पास इज ए हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास सिचुएटेड इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। और उत्तराखंड का ये रीजन जो है ये कुमाऊं है, और ये आपका गढ़वाल है, तो कुमाऊं रीजन में आएगा ये रीजन, ये किस में आएगा, कुमाऊं। सो इट इज़ इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, क्लोज टू द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। तो आपने ये भी देखा कि इट इज़ क्लोज टू द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड नेपाल। इसका ज्योग्राफिकल कनेक्शन देखा जाए तो दिस पास सर्व्स एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइटल पास है, जो कि कनेक्शन बना रहा है चाइना और इंडिया के बीच में। इसके एल्टीट्यूड के बारे में थोड़ा देखें तो द पास इज पोजिशन एट एन एलिवेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5,334 meters, और इसको फीट में हम लोग देख सकते हैं 17,500 feet। यहाँ पे सोच सकते हो कितना ठंडा रहेगा और कब, और मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर ये जो पास है यहाँ पर बर्फ भरा रहता है, आप यू कांट गो, केवल 2-3 months के लिए ये ओपन होता है, मेकिंग इट वन ऑफ द हायर पासेस इन द हिमालय। ये एक वन ऑफ द हायर पासेज, हिमालय में बहुत सारे हायर पासेज हैं, इसीलिए वन ऑफ द हायर पासेज है। अब यहाँ पर इसके तो एल्टीट्यूड देख लिया, इसका लोकेशन देख लिया, इसकी ज्योग्राफी देख ली, नेक्स्ट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस देखा जाए तो इट्स एलिवेशन एंड स्ट्रेटजिक लोकेशन रेंडर इट अ गेट वे टू द अपर हिमालयन रीजन, और यहाँ से आप हिमालय के दूसरे रीजन में भी आप जा सकते हैं, इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। तो ये क्लियर हो गया कि इस स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का मतलब, इसका इस रीजन का, इस पास का क्या वैल्यू है, क्या बेनिफिट्स है, यस। अगला जो है रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, द ओल्ड लिपुलेख पास इज लोकेटेड इन द ओल्ड लिपुलेख पास इज लोकेटेड इन द व्यास वैली ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। और यहाँ पर ही एक व्यास रिवर, छोटी व्यास वो नहीं, एक व्यास रिवर है जो हिमाचल प्रदेश में, वो जो रिवर है उसको हम लोग बोलते हैं व्यास रिवर, जो हिमाचल प्रदेश में, ये जो है व्यास है, एक छोटी सी व्यास रिवर है, वो व्यास वैली ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड, एंड उसके पास ओल्ड हमारा लिपुलेख पास, पुराना था, एक न्यू लिपुलेख पास भी है, एंड इट होल्ड सिग्निफिकेंट रिलीजियस इंपॉर्टेंस। तो ये जो रीजन है जो हमारा रिलीजियस सिग्निफिकेंस दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पर से ही हम लोग जाते हैं कहाँ पर, माउंट कैलाश, जो हमारे लिए बहुत ही सेक्रेट प्लेस है, और जहाँ पे कहा जाता है कि शिव भगवान का वो घर है, और लोग कई लोग ट्राई किए हैं कि वहाँ पे जाने का, लेकिन दे आर नॉट एबल टू रीच ओवर देयर, मतलब उसके टॉप पे, पिक पर जा नहीं पाए हैं, यस दूर से जाकर वहाँ पर उसका पूजा कर लेते हैं। एंड कैलाश वहाँ पर आप देखेंगे तो कैलाश जो मानसरोवर कैलाश झील भी है वहाँ पर भी जाते हैं।
ट्रेड हिस्ट्री यदि बात की जाए, इट वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉर्डर पोस्ट ओपन्ड फॉर ट्रेड विद चाइना इन 1992 में पहली बार इस पास को ओपन किया गया था जिससे कि चाइना के साथ ट्रेड हो, फॉलोड बाय सिपकिला पास इन हिमाचल प्रदेश इन 1994। सिपकिला पास जहां से कि आपको सतलुज नदी भारत में आती है वो भी ओपन किया गया चाइना के साथ ट्रेड में 1994 में, एंड नथुला पास इन सिक्किम इन 2006। तो ये तीन पासेज हैं। तो एक तो आपको हिमाचल प्रदेश में आप जो देखेंगे ये आपका जो पास है सिपकिला पास, हिमाचल प्रदेश को देखा जाए वेस्ट से, और ये 1994 में ओपन हो गया। और उत्तराखंड में देखा जाए तो लिपू लेक पास है, ये 1992 में ट्रेड के लिए स्टार्ट किया गया। और यदि सिक्किम में चले जाएं आप तो यहाँ पर नथुला फेमस पास है, नथुला बॉमडीला ये सब नथुला जो पास है ये 2006 में। तो ये ध्यान में रखिएगा ट्रेड के लिए कौन से तीन पासेज इंपॉर्टेंट हैं, और वो है आपका सिपकिला पास, लिपू लेक पास, एंड वेस्ट से ईस्ट की ओर आए तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, उत्तराखंड में लिपू लेक, एंड सिक्किम में नथुला पास। इसके सिग्निफिकेंस को देखें, एंशियंट ट्रेड रूट फॉर सेंचुरीज, लिपू लेक पास हैज़ बीन अ क्रूशियल ट्रेड रूट कनेक्टिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद द टाइबेटन प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू से आपका हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। इसके रिलीजियस इंपॉर्टेंस को देखें, द पास इज अ की कंपोनेंट ऑफ द कैलाश मानसरोवर यात्रा, अ सेक्रेट पिलग्रिम फॉर हिंदूज एंड डिवोटीज अंडरटेक दिस चैलेंजिंग जर्नी टू रीच माउंट कैलाश विच इज रेवर्ड एज द एबोड ऑफ द लॉर्ड शिवा, तो अलॉन्ग विद द नियर बाई मानसरोवर लेक। तो इस रीजन से, इस लिपू लेक पास से जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखा जाए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं, जहाँ पे मानसरोवर पर झील में नहाकर अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने दोषों को दूर करते हैं, एंड देयर आफ्टर ये जो माउंट कैलाश पे जाते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शिव का घर है टॉप, उनके उस पिक के टॉप के ऊपर। तो ये इसके दर्शन के लिए हम इंडियन रिलीजियस पीपल यूज टू विजिट देयर।